यहाँ पे जो लोग गलत हैं अब मैं कैसे बताऊँ जुबान से एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा कोई ना कोई छोटी सी बात होती है, वहाँ पे कोई धमाका हो जाता है या कोई भी हमला हो जाता है, बेशक पाकिस्तान ने ना भी किया हुआ हो वो, बट ये है कि वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा, जब से मैंने होश संभाला है फ्रॉम 2005 या फिर ऑनवर्ड्स, इतने ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं या जो भी कुछ हुआ है, कभी भी पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमेशा से, शुरू से जब से मैंने देखा है कि ये कि पाकिस्तान ने हमेशा से मतलब उस तरह से बात नहीं की जैसे इंडिया बात करता है, कि ये बगैर सोचे समझे कि ये पाकिस्तान ने किया। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है वैसे, टू बी ऑनेस्ट वो बहुत आगे है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान में लोग नहीं मानते कि इंडिया आगे है, वो उनको डिग्रेड करते हैं कि इंडिया दुश्मन है, तो वो कहीं भी नहीं, लेकिन इंडिया हमसे बहुत आगे है और वो बहुत आगे जा भी सकता है। कांग्रेस थी, कांग्रेस तो वो जब उनके प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, तो वब जब लास्ट टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी गई थी वहाँ पे 2024 के उन्होंने टूर किया था, तो वहाँ पे उस टाइम एक ऐड चलाया जाता था, एक आशा आई थिंक ऐसे करके को नाम था कि वहाँ पे था उस टाइम के कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो पाकिस्तान के खिलाफ, वो गवर्नमेंट चलाती थी, इंडियन गवर्नमेंट चलाती थी वो, आई थिंक ऐड में एक दफ़ा मैंने देखा, बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ 10 साल पहले की। तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी, इसके बड़ी क्लियर स्टांस हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं रखना, अपनी ये पॉलिटिक्स और वो भी चमकाते हैं इस चीज़ से। और बीजेपी सरकार जब अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों और अमन की तरफ हम जाएं, और जब अमन कायम होगा लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी तो पूरी दुनिया, पहले तो अपने लोगों को सिक्योरिटी दे ना जो अपने मुल्क के लोग हैं, जब आपके अपने मुल्क के लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी और फिर दुनिया वाले देखेंगे तो फिर वो भी आएंगे यहाँ पर। जब सिक्योरिटी नहीं होगी और सिक्योरिटी होती है पॉलिटिक्स, हम लोग नहीं करते, हमने उनके साथ जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट की एग्जांपल लेते हैं ना, तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने अपनी टीम नहीं भेजनी वहाँ से, हमेशा हर चीज़ को सेपरेट रखा है, स्पोर्ट्स को सेपरेट रखा है या फिर जो शोबिज़ है उसको सेपरेट रखा है, बट वो लोग ये करते हैं कि वो शोबिज़ को भी उन्होंने बैन कर दिया, हमारे जितने भी एक्टर्स थे, इसके अलावा हमारे जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे आईपीएल नहीं खेल सकते, बॉलीवुड को बैन किया है, हमारे सिनेमाज के अंदर पहले उनकी पूरी पूरी मूवीज लगती थी, अब वो नहीं लगती, हमने उनके टीवी चैनल्स तक को बैन किया। पाकिस्तान के वही लोग जो अभी तक पुरानी सोच में गुम है कि लड़की के कपड़े छोटे ना हो, उसको देखेंगे, उसको चलने नहीं देंगे, जहाँ पे भी वो जाएगी उसको घूरेंगे, अभी भी इसी चीज़ें फंसे हुए हैं, करप्शन, सारे करप्ट हैं, देखिए सब लोग करप्ट हैं, इसी चीज़ को ज़रा सही होना चाहिए। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहाँ के, उनका तो वेरी क्लियर कट है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि वो पाकिस्तान से बात भी नहीं करना चाहते, पाकिस्तान का वर्ड भी नहीं लेना पसंद करता, और ऐसे जैसे उनकी वो बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है उनकी कि हम पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान के साथ रखना चाहते किसी भी किस्म की, और जब तक टेररिज्म एंड नहीं होती ये बोला गया था। बिल्कुल, बीजेपी उनकी ये है जो मतलब इससे खिलाफ करूंगा जो इंडिया ये कहता है। टेररिज्म की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान ने जितना सफ़र किया है, पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा शहादतें हुई हैं टेररिज्म की वजह से, उतनी मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कंट्री में हुई होंगी, तो ये चीज़ से बिल्कुल मैं खिलाफ नहीं करता उनकी, वो एक उनकी पॉलिसी है कि उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट रखना है और दुनिया के सामने पाकिस्तान का बैड इमेज बनाना है उन्होंने, तो ये उनकी जो गवर्नमेंट है उनका एक कह लें कि उनका एक मोटिव है, या उन्होंने इस तरह से, जैसे नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है बेसिकली जो बीजेपी है, उनका शुरू से ये रहा है कि पाकिस्तान को उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान का इमेज जो है वो बुरा रखना है। उनके यानी कि गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं उनके, बीजेपी के लोग हमेशा कभी भी पाकिस्तान की फेवर में नहीं बोलते, अगर कोई और पार्टी पाकिस्तान की फेवर में थोड़ा सा भी कुछ बोलती है तो उसके खिलाफ फिर डिफरेंट तरह के वो जो है ना वो साजिशें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निमरा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, 12 सितंबर को वहां पर एससीओ मीटिंग होने जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनविटेशन दी थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन भारत की तरफ से रिप्लाई आ चुका है। भारत ने बोला है कि हम अपना वफ्द, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में से कोई भी पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लेके जाएगा, कोई भी मिनिस्टर एससीओ मीटिंग को अटेंड करने पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तानी आवाम की तरफ बढ़ते हैं और इस चीज़ का चर्चा हर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर है। पाकिस्तानी आवाम से पूछते हैं कि चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, भारत पाकिस्तान, भारतीय पाकिस्तान आना पसंद क्यों नहीं करते, और क्या एससीओ मीटिंग की वक़्त रह जाएगी भारतीय मिनिस्टर्स के प्रेजेंस के बगैर, क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम इस बारे में, आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये गलत बात है वैसे, मुझे आइडिया नहीं है क्या बोलूँ।
मेरी बात सुने, SCO मीटिंग हो रही है 12 सितंबर को इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है, उसके लिए भारत को दावत दी गई थी, भारत ने इनकार कर दिया आने से, क्या ये है हमारी इम्पोर्टेंस? हमारी तो इम्पोर्टेंस है ही नहीं, किसी पूरी दुनिया में नहीं है, हम लोग तो कहीं पे भी आते भी नहीं हैं, कि पाकिस्तान के जो हैं सारे पॉलिटिक्स वगैरह ये लोग बहुत गलत हैं। इवन अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो शहबाज शरीफ, उनको करना चाहिए कुछ पाकिस्तान के लिए। अब तो अभी भी इन्फ्लेशन जो है अभी भी ज़्यादा ही है, तो कुछ करें ये लोग पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी ग्रो करे, पूरी दुनिया में हमारा भी नाम हो कि पाकिस्तान भी एक है कंट्री है, अच्छी जगह है, ये वो वगैरह, लेकिन कहीं पे भी हमारा नाम नहीं है। क्या भारत पाकिस्तान ना आकर ठीक कर रहा है? गलत बात है ये, क्योंकि हमारे नेबर कंट्री है, उनको आना चाहिए, तो गलत है ये बात। क्यों नहीं आते, आपको वजह क्या लगती है? जब भी अगर क्रिकेट से भी रिलेटेड दावत दी जाए तो वो कहते हैं हमने नहीं आना है, कोई पॉलिटिकल मीटिंग भी हो तो वो कहते हैं हमने नहीं आना है, क्या कहते हैं आप? बहुत गलत बात है वैसे, क्योंकि उनको आना चाहिए, क्योंकि वी आर नेबर कंट्री, तो आना चाहिए उन्हें। वैसे क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं? हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, कंट्री में आना ही पसंद नहीं करता। हम लोग वैसे मजाक के अलावा हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, हम लोग जो नॉर्मल पीपल हैं पाकिस्तान के वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स में लोग हैं वो बहुत गलत लोग हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। मेरा तो है कि ओपिनियन कि उनको ख़त्म, बायकॉट वगैरह कर देना चाहिए। SCO मीटिंग अगर भारत के अंदर होती, हमें बुलाया जाता तो हम भाग कर चले जाते, लेकिन इंडिया नहीं आ रहा है। इंडिया इतना, मतलब इतनी वैल्यू बना ली है इंडिया ने अपनी कि वो SCO मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत ऐसे है कि हम लोग अभी ऐसे नहीं जाना चाहिए, अगर वो नहीं जा रहे तो फिर हमें भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाँ हमारी इतनी इम्पोर्टेंस है, हम बायकॉट कर पाएँ। वही बात है, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर हम लोग ना जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को, क्योंकि हमारी इम्पोर्टेंस ही नहीं है कहीं पे भी। इस वक्त अगर भारत SCO मीटिंग में नहीं आता, आपको लगता है SCO मीटिंग की बुकत होगी? शायद हो, शायद। भारत दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है? इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है वैसे, टू बी ऑनेस्ट वो बहुत आगे है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान में लोग नहीं मानते कि इंडिया आगे है, वो उनको डिग्रेड करते हैं कि इंडिया दुश्मन है, तो वो कहीं भी नहीं, लेकिन इंडिया हमसे बहुत आगे है और वो बहुत आगे जा भी सकता है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स वगैरह है इनकी वजह से मुझे नहीं लगता कि हम लोग का कंट्री जो आगे बढ़ेगा, जो हालात हैं इधर के हमसे वो कितना आगे हैं, और यहाँ के लोग उनकी डेवलपमेंट को या उनके प्रोग्रेस को मानते क्यों नहीं? दुश्मन है, उनको लगता है कि वो दुश्मन है हमारे, इसलिए वो उनको अप्रिशिएट भी नहीं करते। जैसे वो लोग चाँद तक पहुंच गए हैं और हम लोग इधर अभी तक उसी पुरानी सोच में बैठे हुए हैं कि लड़की के कपड़े कैसे हैं, उसका ये वो फ्लां फ्लां, ये अभी तक इस चीज़ में फंसे हुए हैं हम लोग, तो ये बहुत गलत बात है। वैसे तो कहते हैं इनकी कंट्री में इतना अनरेस्ट है, बलूचिस्तान के अंदर अलग प्रोटेस्ट है, सिंध के अंदर अलग प्रोटेस्ट है, पंजाब के अंदर अलग प्रोटेस्ट है, तो इनकी अपनी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं है, तो हम क्या लेने जाएंगे वहाँ पर, क्या उनका कहना राइट है? वैसे बात उनकी सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं इधर, जो चलते हैं इधर, लोग भी गलत ही हैं, तो उनकी बात भी वैसे सही है लेकिन गलत भी है। ये बताइएगा लोग कैसे गलत हैं यहाँ? यहाँ पर जो लोग गलत हैं अब मैं कैसे बताऊँ? जुबान से वो तो मुझे पता है, अजान। दो मिनट का ब्रेक लेंगे, अजान हो रही है, ठीक है जी सर, अजान हो चुकी है, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। बात क्या थी? पाकिस्तान के लोग कैसे गलत हैं? पाकिस्तान के वही लोग जो अभी तक पुरानी सोच में गुम है कि लड़की के कपड़े छोटे ना हो, उसको देखेंगे, उसको चलने नहीं देंगे, जहाँ भी वो जाएगी उसको घूरेंगे, अभी भी इसी चीज़ में फंसे हुए हैं, करप्शन, सारे करप्ट हैं, देखिए सब लोग करप्ट हैं। अच्छा। इसी चीज़ को ज़रा सही होना चाहिए मुझे लगता है। और अगर हम इकोनॉमिकली बात करें, इकोनॉमिकली देखा जाए तो मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री को ज़्यादा हम लोग को देखना चाहिए, पाकिस्तान के कंटेंट को देखना चाहिए, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं देखते, जो कि बात है वैसे सही मूवीज़ नहीं है पाकिस्तान की कुछ, लेकिन हमें देखेंगे तो वो इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है इस बारे में कि दावत तो देनी चाहिए, तो इन्होंने दी भी है दावत और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि इससे ही अमन कायम होगा। जब एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, पाक भारत के रिलेशंस जब अच्छे होंगे, आना जाना शुरू होगा, इसी तरह फिर क्रिकेट भी शुरू होगी, आगे स्पोर्ट्स की भी चीज़ें होंगी, और फिर सबसे मेन चीज़ जो है वो बिज़नेस है, आपकी जो कारोबार और इंडस्ट्री जो है ना वो उस पर बूम आएगा, अगर आप अपने हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात करेंगे, ईरान के साथ, इंडिया के साथ,
तो वो एक जो है ना वो सिलसिला जब कायम हो जाएगा और फिर उससे ये है कि अमन कायम होने का जो है ना वो ज़्यादा चांसेस है। लेकिन भारत कभी भी पाकिस्तान आना पसंद क्यों नहीं करता, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या चाहे वो पॉलिटिक्स का मैदान हो? हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक ये भी है कि हमारी जो है ना इंडस्ट्री, जो बिज़नेस इंडस्ट्री है, वो इतनी क्रैश कर गई हुई है हालात की वजह से कि कोई भी जो मुल्क है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाह रहा। तो इसका ये है कि जब तक यहाँ पर हमारे वो स्टेबल नहीं होगा, निज़ाम नहीं स्टेबल होगा, कोई सियासी पार्टी कोई अच्छी नहीं आएगी या जो लोगों की फलाह के लिए सोचेगी, मुल्क के लिए जो सोचेगी, जब ये चीज़ हो जाएगी कायम, तो फिर जो दुनिया वाले जो ममालिक हैं, दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्ट भी करेंगे आके। तो सबसे पहले तो हमने अपने मुल्क में अमन कायम करना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट फिर आएगी आपके मुल्क में। जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी दूसरी कंट्री से, फिर भारत भी आएगा और ईरान के, अमेरिका, सारे जो कंट्रीज़ हैं वो आ सकते हैं और आना भी चाहिए। बिल्कुल, क्या हमारी वर्ल्ड में ये वैल्यू रह गई है? देखें SCO मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और काफ़ी साल के बाद पाकिस्तान में हो रही है, इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन भारत ने क्लियर कट बोल दिया कि हम नहीं आएंगे और उनको दुनिया प्रेशराइज भी नहीं कर पा रही है और वो इस चीज़ से खुश भी हैं कि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो हमारी ये वैल्यू रह गई और उनकी इतनी वैल्यू है दुनिया में। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने अपनी पीक खुद ही ऊपर की है, वो इंडस्ट्री के ज़रिए की है, शो बिज़नेस के ज़रिए की है, स्पोर्ट्स के ज़रिए की है। हमारी जो आप देखें, हमारी सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी नीचे जा रही हैं, ठीक है ना, हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, उनका ऊपर जा रहा है, और ज़ाहिर बात है दुनिया भी फिर उनको देखती है इस सिलसिले में। तो सबसे पहले अमन कायम होना चाहिए मुल्क में, ठीक है ना, लोगों का सोचना चाहिए। जब ये चीज़ें होंगी, अच्छा हमारा ये है कि हमने तो दावत दे दी है उनको, अब अगला बंदा आए या ना आए वो तो उनकी अपनी है ना, तो वो ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान का इमेज क्या है पूरी दुनिया में। अब ये देखें ना, अब आप खुद बताएँ कि हमारा इमेज क्या है पूरी दुनिया में आजकल के हालात के मुताबिक, तो दुनिया तो यही हमें समझती है कि, बल्कि अरेबियन कंट्रीज़ को देख लें, अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब जाते हैं या कोई भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये जी हमारे से एड ही लेने आए हैं और कुछ करने नहीं आए, ठीक है। अगर हम चाइना जाते हैं तो वहाँ पर कर्ज़ा लेने जाते हैं, अमेरिका जाते हैं वहाँ पर कर्ज़ा लेने, हर जगह तो हम कर्ज़े लेने जा रहे हैं। कहीं कभी हम गए हैं कि इंडस्ट्री हम बढ़ाने चाहें या कोई किसी को ऐसे कहे कि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवानी है किसी मुल्क के ज़रिए, तो वो नहीं हम करते, तो वो करनी चाहिए। क्या फिर भारत राइट पर है पाकिस्तान ना आकर? वो कहते हैं कि इनकी कंट्री के अंदर अनरेस्ट बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान अलग लड़ रहा है, सिंध अलग लड़ रहा है, पंजाब अलग लड़ रहा है, तो हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? वो मैंने पहले भी आपको बताया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो फिर ही वो लोग नहीं आ रहे हमारे मुल्क में, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तभी आएगी जब आपको एक जो इंतखाबी पार्टी जिसको आवाम ने वोट दिया हो उसको आना चाहिए आगे, जो हकीकी जो जमहूरियत इसी को ही कहते हैं, ठीक है ना, जिसको अवाम लेकर आए आगे, तो जिसको अवाम लेकर आई है आगे उनको मौका दें वो, फिर ताकि आपकी स्टेबिलिटी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है मुल्क में वो कायम होगी और फिर इंडिया भी आएगा और दूसरे ममालिक भी आएंगे। वो कहते हैं हमें सिक्योरिटी रीजंस भी हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी इशूज। हाँ बिल्कुल, मैंने ये भी बात की, अमन का एक अमन है ही नहीं हमारे मुल्क में, जब अमन नहीं होगा तो फिर कोई भी दुनिया का कोई सैर व सियाहत भी नहीं होगी, स्पोर्ट्स भी नहीं होगी। तो सबसे जो मेन चीज़ है इसका हम आप देख लें, बलूचिस्तान के हालात देख लें, उधर KPK के हालात देख लें, दहशतगर्दी वहाँ पर भी हो रही है, बलूचिस्तान में भी शुरू हुई है दोबारा से, हालांकि इन चीज़ों पर काबू आ गया हुआ था अच्छा, तो लेकिन अब फिर दोबारा से शुरू, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों और अमन की तरफ हम जाएँ, और जब अमन कायम होगा लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी तो पूरी दुनिया, पहले तो अपने लोगों को सिक्योरिटी दें ना जो अपने मुल्क के लोग हैं, जब आपके अपने मुल्क के लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी और फिर दुनिया वाले देखेंगे तो फिर वो भी आएंगे यहाँ पर। जब सिक्योरिटी नहीं होगी, और सिक्योरिटी होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, तो जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आवाम के लिए हिफाजत नहीं होगी और आवाम के लिए वसाइल नहीं होंगे मुल्क में, तो फिर दूसरे ममालिक वाले वो भी यही सोचते हैं कि ये अपनी आवाम के लिए नहीं सोचते तो फिर हम क्यों इनके लिए सोचें। तो ठीक है, पहले ये है कि हमें अपने लोगों के लिए सोचना होगा, फिर दुनिया वाले भी हमारे लिए सोचेंगे। सर हम कहते हैं कि वो भारत जो है वो हमसे हिंदू दुश्मनी निभा रहा है, हम बहुत पुरामन कौम हैं, हम ये बोलते हैं पाकिस्तानी बहुत पुरामन कौम है। हाँ पुरामन तो हम हैं, वो तो सही बात है, और वो गलत कहते हैं इस तरह अगर कहते हैं तो भाईचारा तो इसी में ही है कि एक दूसरे के ममालक में आया जाए और इंडस्ट्री लगाई जाए और भी स्पोर्ट्स के ताल्लुकात और दूसरे रिलेशंस भी हों, तो फिर ही कामयाबी भी है और दुनिया भी आपको फिर इज़्ज़त देगी। थैंक यू सर। देखिए अब वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो क्या जो फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ के,
उनका तो वेरी क्लियर कट है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि वो पाकिस्तान से बात भी नहीं करना चाहते। और जब लास्ट ईयर बिलावल भुट्टो गए थे वहाँ पे, तो आई थिंक कपल ऑफ ईयर्स बाद गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने उनसे जब पूछा गया अबाउट पाकिस्तान के, वो कश्मीर का भी मुद्दा उठा रहे हैं और ये वो, तो वो आई थिंक उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान का वर्ड भी नहीं लेना पसंद करता। और ऐसे जैसे उनकी वो बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है उनकी कि हम पाकिस्तान को नहीं पाकिस्तान के साथ रखना चाहते किसी भी किस्म की। और जब तक टेररिज्म एंड नहीं होती ये बोला गया था। बिल्कुल, बीजेपी उनकी ये है जो जब लास्ट जब आप देख लें, नहीं नहीं लास्ट टाइम नहीं, 2014 में आई है बीजेपी। और जी बिल्कुल तीसरी दफ़ा, तो उससे पहले जब कांग्रेस थी, कांग्रेस तो जब उनके प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, तो वब जब लास्ट टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी गई थी वहाँ पे 2024 के उन्होंने टूर किया था, तो वहाँ पे उस टाइम एक ऐड चलाया जाता था, एक आशा आई थिंक ऐसे करके को नाम था कि वहाँ पे था उस टाइम के कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो पाकिस्तान के खिलाफ। वो गवर्नमेंट चलाती थी, इंडियन गवर्नमेंट चलाती थी वो, आई थिंक ऐड में एक दफ़ा मैंने देखा, बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ 10 साल पहले की। तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी, इसके बड़ी क्लियर स्टांस है कि पाकिस्तान के साथ नहीं रखना, अपनी ये पॉलिटिक्स और वो भी चमकाते हैं इस चीज़ से। और लेकिन बीजेपी सरकार जब नई नई आई थी तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पाकिस्तान भी आए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे नवाज शरीफ के दौर में आए थे आई थिंक। लेकिन मज़े की बात ये 2014 में जब वहाँ पे उनकी सेरेमनी हुई थी वो नहीं बीजेपी की नहीं, जब उनकी जब प्राइम मिनिस्टर वो जो लेते हैं अपना वो ऑथ टेकिंग सेरेमनी, वहाँ पे नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर गए थे गेस्ट वहाँ पे, और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा था कि इनके थे उस टाइम लेकिन अच्छे ताल्लुकात थे। और नरेंद्र मोदी साहब का वो उनका मैं एक बयान सुन रहा था जब वो इन्होंने पाकिस्तान का टूर किया, तो उसके बाद जब उनकी आर्मी पे अटैक हुआ था वहाँ पे कश्मीर में, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने प्लेन से गया पाकिस्तान विदाउट एनी सिक्योरिटी, वो हेलीकॉप्टर से विदाउट एनी सिक्योरिटी नवाज पाकिस्तान में आके जहाँ पे उनका वो था रिसेप्शन थी जो वहाँ पे गए वो, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है। अब इसमें ये भी पॉलिटिक्स है ना, अब इसमें भी आप ये सही तरह क्लियर नहीं कर सकते कि कौन ठीक है कौन गलत है। पॉलिटिक्स में तो बहुत से दावपेच खेले जाते हैं कि कौन गलत है कौन, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, पर उनका तो क्लियर स्टांस है कि हमने अपनी तरफ से एक अच्छी चीज़ की है, पाकिस्तान नहीं वो करना चाहता हमारे साथ। लेकिन हम पाकिस्तानी आवाम जो गवर्नमेंट जो है वो, गवर्नमेंट का तो मैं नहीं कह सकता कि पाकिस्तानी आवाम में बहुत ज़्यादा है इसमें कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, हमारी ट्रेड हो और मिलें एक दूसरे से वहाँ पे जहाँ पे हिस्टोरिकल्स वहाँ पे इतने वो हैं इंडिया में, इतने हमारे मुस्लिम भी हैं दूसरे भी हैं, शेरशाह सूरी है उनका बिहार में है, तो बहुत सी चीज़ें जाने का दिल करता है, मेरा पर्सनली बहुत जाने का दिल करता है इंडिया के, मैं जाऊँ विज़िट करूँ और बहुत सी चीज़ें मैंने देखनी वहाँ पे। इंशाल्लाह कहीं मौका मिला मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा सर मुझे ये बताएगा क्या उन्होंने हमें हमारी इम्पोर्टेंस बताई है, या क्या हम लोगों की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, हम लोग अभी इस वक्त गुरबत में आगे आ रहे हैं, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है, या क्या आपको लगता है कि वो पाकिस्तान ना आने का डिसीजन लेकर अभी बहुत खुश है और SCO एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जबकि हमें अगर कभी इस तरह की मीटिंग्स में भारत भी जाना पड़े हम भी चले जाते हैं, हमारी क्रिकेट टीम भी चली जाती है, क्या वो इतनी ज़्यादा उनकी अब पावर है कि वो हमें ना कर सकते हैं और वो उनको कोई इंटरनेशनल प्रेशर भी नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान जाना ही जाना है? देखिए नो डाउट इंडिया लास्ट ईयर्स में बहुत उसने डेवलपमेंट किया बहुत ज़्यादा, तो वो अपना एक जो इंडियन मीडिया है अगर वो भी कोई क्या कहते हैं कोई क्वेश्चन रेस करे या कुछ करे तो वो उसको भी दुनिया सुनती है। लेकिन अब वो जो बीजेपी है, अब वो जो इस दफ़ा आए हैं उनकी थोड़ी सी ज़रा पार्लियामेंट में ज़रा वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी नहीं है, और नहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस दफ़ा, वो टू थर्ड मेजॉरिटी नहीं है जो लास्ट टाइम थी उनकी, वैसे ये थर्ड मेजॉरिटी नहीं जो लास्ट टाइम थी उनकी, लेकिन ये है कि वो दुनिया भी वो थोड़े वो बहुत डेवलप है हमारे से, दुनिया भी उनको पसंद करती है और वो करना चाहती है, वो लोग करते हैं, वो अपने मुल्क को उन्होंने बनाया है,
जैसे भी किया मुल्क ने बनाया, हमारे यहाँ थोड़ा हुआ, ज़रा कोई गलत चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से डेवलप ने वो कहती है इनकी अपनी कंट्री के अंदर बहुत अनस्टेबिलिटी है, हर प्रोविंस जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो बहुत वो तंज भी करते हैं, तंज व मजाक बहुत करते हैं उस चीज़ के पाकिस्तान सोशल मीडिया पे उनके काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जो बहुत तंज करते हैं, वो ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आपस में ताल्लुकात बढ़ाएं। मैं जो बात की 2013 में, उनकी गवर्नमेंट भी चाहती थी कुछ हो और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में भी था कि कुछ हो, तो लास्ट 2012 में जो सीरीज़ हुई उसके बाद कोई सीरीज़ भी नहीं पाकिस्तान में, और जो अभी तक जो चैम्पियन ट्रॉफी की बात है 2025 की, तो उस पर भी इंडिया का नहीं आना उन्होंने कह दिया। इंडिया का क्लियर स्टांस है कि हम नहीं आएंगे, लेकिन उम्मीद है आ जाएंगे। सर ये आखिरी बात कहूँगी, इसमें इस चीज़ का भी बड़ा अमल दखल है, जो यहाँ पर कभी भी कोई जलसा जुलूस होता है जाहिर सी बात है वो पूरी दुनिया में चलते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमने जाकर भाई उनके साथ काफिरों को बम से उड़ाना है, हमें 72 हूरे मिलेंगी, हमने गज़वा हिंद लड़ना है। देखिए कोई और मुस्लिम कंट्री इस तरह से नहीं करती है जैसे हम करते हैं, तो इसमें एक ये फैक्टर भी ऐड हो जाता है कि ये जो हेट एलिमेंट्स हैं वो भी आपस के ताल्लुकात को ख़राब करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अमन पसंद लोग हैं, यहाँ पर भी बहुत अमन पसंद लोग, कुछ बुरे लोग वहाँ पर हैं जिनको ज़्यादा लोग हाईलाइट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये आज स्पिरिचुअली इनका है वैल्यू, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है वहाँ पर, यहाँ पर भी बहुत रिस्पेक्ट है और बड़ा प्यार मोहब्बत है आपस में, वो भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिनके जिनका आप कह लें कि माइंड सेट नहीं ठीक, नेगेटिव है, वो तो फिर ऐसी बातें करेंगे। बहरहाल गज़वा हिंद वगैरह ये वो अल्लाह बेहतर जाना है इस चीज़ का। थैंक यू सर। पिछले कुछ सालों में जो मैंने जब से होश संभाला या जब से मैं देख रहा हूँ, एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा कोई ना कोई छोटी सी बात होती है, वहाँ पर कोई धमाका हो जाता है या कोई भी हमला हो जाता है, बेशक पाकिस्तान ने ना भी किया हुआ हो वो, बट ये है कि वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा जब से मैंने होश संभाला है फ्रॉम 2005 या फिर ऑनवर्ड्स इतने ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं या जो भी कुछ हुआ है, कभी भी पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमेशा से शुरू से जब से मैंने देखा है कि ये कि पाकिस्तान ने हमेशा से मतलब उस तरह से बात नहीं की जैसे इंडिया बात करता है कि ये बगैर सोचे समझे कि ये पाकिस्तान ने किया। बट हम उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर भी कोई अटैक होता है तो हम डायरेक्ट रॉ की ही साजिश कहते हैं, बलोचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम कहते हैं वो रॉ के एजेंट है, हमारे जौहर टाउन में अटैक हुआ हमने कहा ये रॉ के बंदों ने करवाया, तो देखिए यहाँ से भी यही चीज़ बोली जाती है। बिल्कुल बोली जाती है, बट जिस लेवल के ऊपर या जिस मतलब एक्सट्रीम के साथ वो लोग रिएक्ट करते हैं हम लोग नहीं करते, हमने उनके साथ जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट की एग्जांपल लेते हैं ना, तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने अपनी टीम नहीं भेजनी वहाँ से, हमेशा हर चीज़ को सेपरेट रखा है, स्पोर्ट्स को सेपरेट रखा है या फिर जो शोबिज़ है उसको सेपरेट रखा है, बट वो लोग ये करते हैं कि वो शोबिज़ को भी उन्होंने बैन कर दिया, हमारे जितने भी एक्टर्स थे, इसके अलावा हमारे जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे आईपीएल नहीं खेल सकते, बॉलीवुड को बैन किया है, हमारे सिनेमाज के अंदर पहले उनकी पूरी पूरी मूवीज़ लगती थी अब वो नहीं लगती, हमने उनके टीवी चैनल्स तक को बैन किया। एक्चुअली हमने अगर उनको बैन किया ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो सीधी बात है उनकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, उनका अपना अपनी कंट्री इतनी बड़ी है, उनकी इतनी आबादी है, इतनी व्यूअरशिप है कि उनको पाकिस्तान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है अगर हमारा उनसे ट्रेड नहीं हो रहा या फिर हमारे साथ उनके इस तरह के कोई भी रिलेशंस नहीं है तो पाकिस्तान सफ़र कर रहा है और पाकिस्तान के जो अवाम है हम जैसे मेरे जैसे आप जैसे अवाम है वो लोग सफ़र करते हैं एट दी एंड, क्योंकि जैसे पहले आपने आपको जैसे पता होगा जब ट्रेड होती थी हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि जैसे वेजिटेबल्स अगर आप एग्जाम्पल देते हैं या फ्रूट्स की देते हैं जो हमारे वहाँ से डायरेक्टली इम्पोर्ट होती थी, बट अब ये है कि होती तो इंडिया से ही है बट वो दुबई के रास्ते से होती है, तो वो हम लोग बेसिकली इनडायरेक्टली हम लोग सफ़र कर रहे हैं उसको, तो ये चीज़ अब ऐसे है कि जो उन्होंने यहाँ पे नहीं मतलब आ रहे वो जैसे आपने बात की है, तो मेरे हिसाब से जिस लेवल पे इंडिया इस वक्त पहुँच चुका है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर पिछले 20-30 साल पहले अगर आप कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान को तब आप फिर भी किसी हद तक कर सकते थे, अब आप नहीं कर सकते, अब आप इवन मेरा तो ख्याल है कि आपको एक पूरी सदी चाहिए उस लेवल पे जाने के लिए जिस वक्त इंडिया जो है वो एट प्रेजेंट है जिस लेवल के ऊपर, तो इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान की, ना इसके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे करने की ज़रूरत है, अगर अच्छे करेगा तो पाकिस्तान का फ़ायदा, इंडिया का कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर, मतलब उनको फ़ायदा नहीं होगा हमसे, उनको फ़ायदा अगर होगा भी तो वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि उनकी इकोनॉमी जैसे हमें अगर हम अगर उनके साथ ट्रेड करते हैं प्रॉपरली अगर ट्रेड करते हैं उनके साथ तो हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा, इंडिया को एज सच कोई इस तरह से उसकी इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। सर हम लोग
चाइना के साथ हमारे कितने अच्छे रिलेशन है, लेकिन उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी पर फर्क नहीं पड़ा, हम खसारे में जा रहे हैं। लेकिन आपने बोला है इंडिया से अगर हम हमारे ताल्लुकात बन जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ये क्या चक्कर है? नहीं देखें, चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, वो अगर आप देखें तो मीडिया के ऊपर या मतलब ऑन बुक्स ज़रूर अच्छे हैं, बट बेसिकली चाइना भी पाकिस्तान के साथ जो है वो जिस तरह से पहले थे रिलेशन उस तरह से नहीं रहे, उसकी बहुत सारी वजह है और सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं आना चाहती, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था कुछ टाइम पहले 2015 या 14 में, ऑटोमोबाइल कंपनीज थी, इसके अलावा अदर कंपनीज थी, मोबाइल कंपनीज थी, बट वो पाकिस्तान में नहीं आ सकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें कभी भी बेटर हो सकती हैं, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, दुनिया के अंदर कोई भी मीटिंग हो हम ख्वाहिश करते हैं हमें बुलाया जाए, हम जाने के लिए बेताब होते हैं। एससीओ मीटिंग जब इंडिया के अंदर हुई, बिलावल भुट्टो वहाँ गए थे, तो मुझे ये बताएगा जब हमारी कंट्री के अंदर होती है तो दुनिया आने के लिए रेडी नहीं होती, स्पेसिफिकली इंडिया, तो क्या ये हमारी वैल्यू हमें बताई जा रही है? वैसे अगर आपको मैं बताऊं तो इंडिया, सिर्फ इंडिया के इस तरह से करने से, क्योंकि उनका ये है कि उनका मोटिव यह है कि पाकिस्तान को उन्होंने आइसोलेट करना है, तो सिर्फ एक इंडिया के इस तरह से करने से पाकिस्तान को ऐसा जितना कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है उसके इंटरनल हालात की वजह से, अगर उसकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी होगी, और डिफरेंट जो अदर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, बेशक वो हमारा दुश्मन है, हम उसको दुश्मन मानते हैं, बट इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि हम उनके साथ बिल्कुल टोटली कट ऑफ कर दें। अब अगर इंडिया ने कट ऑफ कर दिया तो वो उनकी चॉइस है, क्योंकि पिछले जो भी इवेंट्स हुए हैं वो हमारे सामने ही हैं। अब हम जिस हाल पे पहुंच गए हैं, हमारे पास ना तो कोई प्रोडक्शन हो रही है, हमारे जितने भी यानी कि जो आप समझ लें कि यूथ है जो किसी काम का है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और वो बाहर जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात के अंदर कोई रहना भी ही चाहेगा। जब भी पाकिस्तान आने की या पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी बात या रिलेशनशिप या ट्रेड की ही बात हो, वो कहते हैं पहले टेररिज्म एंड करो, वो हमेशा ये बोलते हैं। इवन उनके फॉरेन, जिनका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ताल्लुक है, एस जयशंकर की बात करूंगी, वो हमेशा ये बोलते हैं कि दहशतगर्दी को पहले एंड करो, अभी हम मूड में नहीं है। एक्चुअली ये वाली चीज़ से मैं ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल मतलब इससे खिलाफ करूंगा जो इंडिया ये कहता है। टेररिज्म की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान ने जितना सफ़र किया है, पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा शहादतें हुई हैं टेररिज्म की वजह से, उतनी मेरा नहीं ख्याल किसी भी कंट्री में हुई होंगी, तो ये चीज़ से बिल्कुल मैं खिलाफ नहीं करता उनकी। वो एक उनकी पॉलिसी है कि उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट रखना है और दुनिया के सामने एक पाकिस्तान का बैड इमेज बनाना है उन्होंने, तो ये उनकी जो गवर्नमेंट है उनका एक कह लें कि उनका एक मोटिव है, या उन्होंने इस तरह से जैसे नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है बेसिकली जो बीजेपी है उनका शुरू से ये रहा है कि पाकिस्तान को उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान का इमेज जो है वो बुरा रखना है। बीजेपी की गवर्नमेंट एंटी पाकिस्तान है क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो मैं एज सच मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो जब से देख लें कि जब से मुझे अकल आई है, जब से मैंने होश संभाला है, तो मैंने यही देखा है कि बीजेपी जो खासतौर पर पार्टी है, कांग्रेस नहीं, बीजेपी के बारे में जब भी सुना है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनके जो भी उनके यानी कि गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं उनके, बीजेपी के लोग हमेशा कभी भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं बोलते। अगर कोई और पार्टी पाकिस्तान की फेवर में थोड़ा सा भी कुछ बोलती है तो उसके खिलाफ फिर डिफरेंट तरह के वो जो है ना वो साजिशें करते हैं। बीजेपी का एक मोटिव रहा है हमेशा से कि भारत माता फर्स्ट, यानी वो कहते हैं कि हम हमारे लिए हमारी कंट्री फर्स्ट है। इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो आपने बोला वो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ है, मतलब ये तो नफरतें जो है वो फिर मेरा ख्याल है कि टू है, क्योंकि दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्रीज और भी बहुत सी हैं और उनके तो इंडिया के साथ या प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं। अभी रिसेंटली एक मुस्लिम कंट्री में जाकर उन्होंने मस्जिदों तक का विजिट किया, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा कश्मीर का और जो अदर पॉलिटिकल इशूज़ है वो बीच में आ जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, सबसे मेन इशू है ही कश्मीर का, ठीक है, इंडिया का और पाकिस्तान का जब से ये बना है, जो कश्मीर का अगर इशू ना हो तो इंडिया और पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्रीज़ हों। अब फिर ये कह देते हैं हमने काफिर उड़ाने हैं वहाँ जाके, ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी है, मैं एग्री करूँगा। और मैं अगर आपसे आम आवाम की बात करूँ ना, मेरे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे इंडिया के अंदर मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, और जो आम आवाम है वो हमारी तरह है, वो चाहते हैं कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हों और ये सब चीज़ें जो हैं ख़त्म हो। बट जाहिर सी बात है दोनों साइड से अगर पॉलिटिकली आप देखेंगे तो दोनों साइड्स ये नहीं चाहती कि टोटली जो सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएँ, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच।